हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो ये बज गए हैं, मॉर्निंग हो गई है, तो मैंने बस किचन में झाड़ू मार लिया। तो मैंने फटाफट से मैं चो चो चीलों की तैयारी कर लेती हूँ। तो इधर मैंने आलू उसमें घिस लिया है, और मेरी जो ये मैंने रखा हुआ है, ये मेरी रखी थी खीले जो होती हैं दिवाली पर रखते हैं, मैंने उन्हें पीस के उसमें डाल दिया। फिर मैंने नमक मिर्च वगैरह सब कुछ, प्याज और टमाटर सब कुछ डाल दिया है, ऐड करके मैं इनमें बनाऊंगी। लेकिन मेरा बनाना क्या था यार, बस आप दिखाऊंगी मैं आगे कैसा क्या हो गया था। प्लीज़ देखिए, ब्लॉग पूरा देखिएगा, और आज किसके लिए मैंने बोला है उसको प्लीज़ देखिएगा। इधर मैंने तवा गरम कर लिया है और वो पेस्ट बना के रख दिया है, और मैं इस पे डालूंगी। तो यार बस आज पूछो मत, मेरा बहुत बेकार बना था ये, तो मैं दिखाऊंगी पता नहीं क्या मेरी मिस्टेक रह गई जो मेरे सही नहीं बन पाया था। ये अभी देखने तो बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन जो बाद में हुआ था मैंने वो सूट नहीं कराया क्योंकि ये ख़राब हो गया था। तो फिर इसको मैंने बाद में बनाया था, ये मैंने बस नहाने से पहले बस इनके लिए बना रही थी, तो ये नहीं बना मेरा, फिर अजीब सा लगा था। मैंने चलो इनको भी फिर मैंने नहीं दिया था, तो चलो फिर मैं आगे दिखाती हूँ। मैं साइड से मैं तेल जरूर चलिए डालूँ, फिर क्योंकि मैं मेरा लेकर तो के आ थोड़ा गई गलती मुझसे हो। हूँ। मैंने मैंने पूजा कर ली है, तो मैंने कहा चलो अभी पूजा करने के बाद सबसे पहले ये फूल जो हैं जो इनकी ये है उगाने के लिए मैं पौधे में डाल देती हूँ। उसके बाद मैं आपसे बात करूँगी। नहाना धोना हो गया, झाड़ू पोछा हो गया मेरा, तो मैं उसके बाद बस आप नहा के बस लोशन वगैरह लगाना वो भी बाद में लगाऊंगी। मैंने कहा पहले ये मंदिर से पूजा करके आती हूँ, तो ये डाल देती हूँ मंदिर उसमें पेड़ में डाल दूँगा तो सब जल्दी उग जाते हैं। 15-20 दिन में तो लगभग आ ही जाते हैं, थोड़े नज़र आ ही जाते हैं। चलिए मुझे कर दीजिए काम। इधर भी मैं आ गई हूँ किचन में। तो मैंने कहा लाओ भाई, पहले थोड़ा किचन थोड़ा मेरा मैसेस हो रहा था, तो मैंने थोड़ा किचन साफ़ कर लेती तो अच्छा सा लगेगा, थोड़ा कादू वगैरह बच्चों दे रहे हैं। इधर मैंने तो सामान मेरा जो इधर उधर रखा था मैंने उसे भी सेट कर दिया है। इसमें मेरा राजमा सुबह ही बॉयल हो गया है, तो दिन में जो मुझे बनाना है, तो मैंने कहा चलो भाई इधर मैं पहले किचन पूरा समेट दूँ तो मुझे थोड़ा सही सा लगेगा। तो मैंने अभी तो ऐसे साफ़ कर दिया, उसके बाद में जब खाना उससे बनाऊँगी बाद में बर्तन थोड़े धोऊँगी इसे और अच्छे से क्लीन कर दूँगी किचन। तो अभी थोड़ा समेट दिया है थोड़ा सा बस। तो मैं कहा लाओ पहले मैं बच्चों को दूध दे देती हूँ, तो बेटा जगा हुआ था, बेटे को दे रही हूँ, बेटी अभी सो रही थी, तो मैं कहा चलो उसे बाद में दूंगी। मैंने कहा अभी मैं चीनी डब्बा ख़त्म हो गया था, चीनी तो नीचे डब्बे चीनी में डाल ली थी कि चीनी इसमें थोड़ी थी। तो मैं कहा चलो भाई, मैंने एक तरफ मैंने तवा रहने रख दिया है क्योंकि इसमें मैंने बनाया था तो चिपक गया था पूरा। तो मैं कहा एक बार और मैं ट्राई करके देखूँगी, मैं चाय वहाँ पर स्लो गैस में रख दी है। तो इधर मैंने बर्तन भी धो लिया है और सिंक वगैरह साफ़ साफ़ कर दिया है। तो मैंने चलो किचन मैंने तो समेट दिया है, अब जो बस थोड़े बहुत चाय वगैरह के बर्तन होंगे और वो थोड़े बहुत ही होंगे जो धो लूँगी। तो मैंने चलो इधर मैंने ये काम भी कर लिया है। तो और इधर मैंने कहा चलो बना लेती हूँ एक टोस्ट, बना रही थी चीला, लेकिन चीला नहीं बना सही से। तो एक ब्रेड रखा हुआ, सिर्फ 2 ब्रेड रखे हुए थे, तो बच्चों के लिए कर दिया था नाश्ता। तो ये थोड़ा सा भी सही बन गया था, लेकिन और वो चीले तो बहुत ज़्यादा ही बेकार बने थे। चलो फ्रेंड, चाय वगैरह बन गई है तो अब चाय पी लेते हैं। तो मैंने आज बनाया था तो कुछ क्या था, लेकिन बन गया गया तो अब देख खा लेते हैं। लेकिन क्या करो, कई बार ऐसा हो जाता है सर, और जिसके साथ होगा फिर मैं बताना जरूर किसके साथ ऐसा होता है। तो चलिए, बेटे बच्चे ही बैठे हुए थे इधर, तो बच्चे बस नहाए नहीं है अभी, ब्रश वगैरह कर लिया, दूध मैंने दे दिया है, मत खाओ। चलिए मैं थोड़ी देर बात करती हूँ आपसे, चाय आप भी पी लीजिए। चलिए इधर बच्चे बैठ गए हैं पढ़ने, इधर मैंने दे दिया डैडी। पीयू पढ़ रही है तो शरारती ज़्यादा कर रही है, तो मैं कहा चलो भाई आप करते हैं, शुरुआत तो हो ही गई है। लेकिन पी ऊपर मैं नहीं, पेपर भी इनके कल मंडे से एग्ज़ाम है, तो पी अपना काम कर रही है। पी बैठो सही से, यही थोड़ा नाटक की नौटंकी ज़्यादा करती है। चलिए हेलो गाइस, तो हो ही है। चलिए मैं चलती हूँ किचन में, किचन में करते हैं काम। चलिए करिए, ये उठा लेती हूँ मैं अपना, इसे तो उठा ही लूँ, इसे लगा के लगाती हूँ मैं अपना सारा जो सामान है, मैं इसे भी लगा देती हूँ। कढ़ाई वगैरह रख दी है मैंने और कर दी है दोपहर की खाने की तैयारी। तो मैं राजमा सुबह ही बॉईल कर लिया था, सोची थी लेके जाएंगे भी, लेकिन नहीं गए थे। कर लिए आलू, जीरे वाले आलू ही लेके गए थे, इन्हें भी अच्छे थे जीरे आलू। ये आलू तो मैंने निकले जीरे वाले आलू, आलू नाश्ते में दे दिए थे। तो मैं कहा भाई इसमें थोड़ा सा मैं तेल डालूंगी, और अगर आप राजमा इस तरह बनाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो मैंने कहा भाई राजमा बनाने तैयार करते। तो इधर मैंने प्याज और ये इसमें मैंने डाल ली थी 2-3 हरी मिर्चें और टमाटर, इन्हें मैं हल्का सा इन्हें पका लूँगी, नमक डाल के ढक के रख दूँगी, दो चार दो सिर्फ 2-3 मिनट के रखूँगी, तो उसमें ये कम रख दूँगी। हो रही है इसकी मम्मी चली गई, इधर रो रही है पैर वाला, अभी आ रही है ना। हाँ जी, ये बंद कर दो। इधर मेरे ये हो गए हैं, तो मैंने इसमें निकाल लूंगी और इसको मैं मिक्सर में पीस लूंगी। चलिए मैं इसे निकाल के पीस लेती हूँ। तो इधर मैंने ये मसाला पीस लिया है, तो अब मैं जला दूंगी गैस ऑन कर देती हूँ, और इसमें डालूंगी मैं ऑयल।
ऑयल डाल दिया है मैंने, ऑयल ज़्यादा नहीं नॉर्मल डालें, ज़्यादा तेज हो जाए तो तेज सही नहीं लगता। तेल गर्म हो जाएगा तो मैं डालूंगी जीरा और मैं डालूंगी इसमें हींग, डालूंगी मैं आवानी। तो ये मैं मसाला इसमें ऐड कर दूंगी, मसाला पका हुआ था तो जल्दी पक भी जाता है, टाइम नहीं लगता। अब मैं इसमें लाल मिर्च अपने हिसाब से डालनी हूँ, जिसमें डाल दे रही हूँ, और नमक मैंने पहले ऐड कर रखा है तो मैं नहीं डालूंगी, मैं हल्दी ऐड नहीं करी है तो मैं इसमें हल्दी डाल दूँगी और इसे अच्छे से मिलाते जरूर रहना है, जलान मतलब जल रहे आगे कसूरी मैथी नहीं खत्म हो गई तो मैं कसूरी मैथी नहीं डाल रही हूँ। तो और जो सामान उठाया है वो हाथ से अपने अपने वहीं पर रख देंगी, लग गया है। अब मैं इसमें थोड़ा डाल दूंगी धनिया, ऐड कर दूंगी बस इसे मिलाती रहूंगी थोड़ा सा, और इसमें मैं डालूंगी, सॉरी मैं अदरक डालना भूल गई, तो अदरक का पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया है, तो थोड़ा हो जाता है किचन मैसी था तो काम मिल गया, सबका किचन हो जाता था मैसी, तो मेरा हल्का थोड़ा इधर हो गया है तो दिखाती हूँ आपको मेरा कैसे थोड़ा सा होता है। देखिए ये देखिए थोड़ा सा हल्का सा हो गया है, तो मैं सभी अभी सही कर देती हूँ, इधर मैंने अच्छे से मिला लूंगी मैं, इधर मैं इसमें थोड़ा सा सौंफ पाउडर जरूर डालूंगी, तो मैंने इसमें ये भी ऐड कर दिया है, इधर मैं ये मसाला जब तक करना है तो अपना रहेगा, इसको अच्छे से मिला लूंगी। इधर मेरा मसाला पक चुका है अच्छे से, अब मैं इसमें राजमा भी मिला दूंगी, ऐड कर देती इसमें, बहुत अच्छा कलर आया लेकिन यहाँ फोन में नहीं आ रहा, अच्छे से मिला सब्जी मेरी बनके तैयार है, इसमें है इसमें निकाल लूंगी, दिखाऊंगी किसी को नहीं जाता है, इधर मैं सारे गेट खोल के चले गए, लाइट चालू कौन परी। अब मैं वास्तव में यार क्रीम पनीर डाल दो ना मलाई, तो बहुत ज़्यादा ही टेस्टी बनता है सब्जी, राजमा हो या कोई भी अच्छा अच्छी सब्जी हो तो आप डाल सकते हैं, तो बहुत टेस्टी बना था, आप एक बार इस टाइप तरह से ट्राई जरूर किए करिए ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही ब्लॉग का एंड कर देते हैं, तो मैंने कहा चलो आज बारिश हो रही है और फिर ठंडा हो गया, मैं लग रहा मैंने कल रख दी थी तो मुझे अब फिर निकालनी ही पड़ेगी, तो मैंने चलो रात को निकाल लूँगी, मैंने आज बोल रही थी कपड़े वगैरह धो दूँगी, मैंने इसलिए कपड़े भी धोए नहीं क्योंकि फिर ये धो देती थी, मुझे मौसम से डॉक्स लग रहा सामने, तो मैं कोई रखती मौसम हो जाएगा जब धो के रख दूँगा साथ, और आप बताइएगा कि कल का ब्लॉग आपको कैसा लगा, और किसी के कॉम्पिटिशन कहने में कुछ बुराई नहीं होती, कितने अच्छा काम करा उसे कहने में कोई बुराई नहीं है, तो मैं भी तो आगे बढ़ेंगे, चलिए सपोर्ट तो सर्वे तो सब सबको ही होती है, तो अब मैं आज कह रही थी देखना, अब कहते ना कि ज़िंदगी वास्तव में हम लोगों की पटरी पर आ गई है, अब मैं बताती पटरी पर क्यों आ गई है, हम लोग अपना जो अभी तक दंगे वगैरह जो भी हुए, जो इतना ज़्यादा आप समझ सकते हैं दिल्ली में जो इतना ज़्यादा भयंकर चीज़ें चल रही हैं क्या, अब तो थोड़ा ज़्यादा कितना बुरा हाल था, लेकिन सबसे ज़्यादा ना हम लोग तो अपना भी रूटीन जो था हम अपना जिंदगी जी रहे हैं, सब ऑफिस जाने लग गए, सब लोगों को ऑफिस जाने की पड़ती है, ऑफिस जाते हैं कोई बच्चे स्कूल मंडे से बच्चे भी स्कूल भी हैं, बच्चे मंडे से स्कूल जाने लगे हैं, हम जो लेडीज़ हैं अपने रूटीन में लग गए हैं, बस घर के काम वगैरह में लग गए हैं, लेकिन इसका फर्क हमारी ज़िंदगी में नहीं पड़ा, जो गए हैं सर लोगों की ज़िंदगी में जो ये अभी तक जो चला था ना चार पाँच दिन का जो ये इतना बेकार जो चीज़ें चली थी वो उनकी ज़िंदगी से बर्बाद करके चली गई है, और सर मैं जिनका नाम मैं जानती हूँ जिसको मैं जाता हूँ न्यूज़ में भी देख रही हूँ, एक जो रतन लाल जी हैं जो इस पुलिस में थे, और जो एक थी अंकित शर्मा जी, वो अंकित शर्मा भाई जिन उनके नाम जो हुआ है ना वो बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है, जिनके बारे में सुन के दिल ना फैल जाता है, यार हम इसलिए बाहर अपने अपने हस्बैंड या बच्चों को बाहर नहीं जाने देते, दंगे अगर होंगे ऐसे ही चला गया, लेकिन सबसे ज़्यादा था उनकी माँ पे जो बीत रहा है सर वो बहुत ज़्यादा बेकार हुआ है, तो हम लोगों की ज़िंदगी तो भाई ये है कि हम भूल जाएंगे, हम
जो जिनके फैमिली में बीता है वो उनको ही पता है कि उनके पास क्या बीता है। हम लोगों के आगे भी अपनी जिंदगी जी रहे हैं, फ्रेंड्स ने कुछ टाइम बाद अपने दिवाली तो और भी अच्छे से मनाएंगे, बस सारी चीज़ हम अपने ही करेंगे, सब भूल जाएंगे कि कल अभी 2-3 दिन पहले क्या हुआ था, किसकी फैमिली से कोई गया है, उसका फ़र्क किसी को नहीं पड़ा, फ़र्क पड़ा है सिर्फ जिनकी फैमिली बर्बाद हुई है, जिनके घर बर्बाद हुए हैं, सिर्फ उनको ही फ़र्क पड़ा है इस चीज़ का। और हम लोग जैसे लोगों के हम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, हम लोगों की ज़िंदगी बस चल रही है, अपने बच्चे पर भी अपना रोज़ का रूटीन हम शेयर कर रहे हैं, रोज़ का जो काम है हम वो शेयर कर रहे हैं, मतलब अपनी ज़िंदगी हमने भाई ला दिया है, बच्चों को जो रूटीन हमारा पूरा दे रहे हैं आपको, मतलब हमारी ज़िंदगी तो सही है, लेकिन जिनके जिनकी फैमिली में से किसी बेटा गया है, किसी की माँ गई है, कई लोग तो अभी शायद मीडिया में नहीं आ रही चीज़ें जो मतलब हम लोगों ने देखी हैं न्यूज़ वगैरह, तो बहुत ज़्यादा फेसबुक पे भी बहुत ज़्यादा वीडियो चल रही हैं, तो मैं उस वीडियो का नाम नहीं लूँगी किस कौन से वीडियो चल रही हैं, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा बर्बाद कौन हुआ है उसमें, हमारे जिनके घर की औलादें गई हैं, जिनके घर के बच्चों के पापा गए हैं, सर उनकी ज़िंदगी वास्तव में बर्बाद हो गई है। पैसा सरकार कितना भी दे, पैसे के बाद अलग हो जाते हैं, पैसा एक अलग मैटर करता है, लेकिन जो इंसान होता है इंसान की वैल्यू वही समझ सकता है जिसके संग ऐसा हो चुका है, क्योंकि इंसान को आपको पता है कितनी गलत है ना। मुझे आज पता ही है, मैं न्यूज़ में देख रही हूँ 2-3 दिन से मैं इतना परेशान से हो गई, मतलब ये लगा कि क्या हो गया यार, कभी सोचा था कि उनकी सरकार है वो ऐसा होगा, पता ना नहीं सोचा था कि कभी मैं ऐसे ही मारा जाऊँगा, वो हुआ है, सरकार को उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि कुछ हम लोगों के बारे में सबकी जो मतलब जो फैमिली है उनके बारे में सोचना चाहिए, बस मैं इतना ही बोलूँगी, मुझे उनके बारे में भी बहुत ज़्यादा दुख हुआ, मुझे उनके बारे में सोचती हूँ दुख हो रहा है, तो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ थोड़ा वॉच जरूर करिएगा, और आज थोड़ा मतलब ये था कि जिंदगी में आ गई है, ज़िंदगी हम लोगों की चल रही है, तो आप समझ रहे होंगे ज़िंदगी हम लोगों की कहाँ से कहाँ तक हो गई है। चलिए मिलती हूँ मैं आपसे।